55,000 टन भारतीय गेहूं की पहली खेप को मंजूरी दी है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर पहली खेप पहुंचने के बाद गेहूं की जांच की गई और तय मानकों पर खरा उतरने के बाद हरी झंडी इसे मिल गई। वही खबरों के मुताबिक मिस्र ने भारत द्वारा भेजे गए गेहूं की गुणवत्ता की सराहना की है। किसान इस साल अपनी गेहूं की फसल सरकार को एमएसपी पर बेचने के बजाय अधिक दाम पर इसे अनाज की बिक्री निजी व्यापारियों को करके लगभग 5,994 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन कमा चुके हैं। इस महीने घरेलू बाजार में खाद्य तेल के दाम में और गिरावट की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बढ़ना इसकी सबसे बड़ी वजह है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सनफ्लावर ऑयल, सरसों तेल, पाम, कैनोला ऑयल और कोकोनट ऑयल के भाव 2-13% घटे हैं। वहीं सोया तेल के दाम स्थिर रहे और पाम ऑयल में मामूली तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खाद्यान्न और ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर चिंता जताई है, लेकिन साथ में गेहूं निर्यात प्रतिबंध में ढील देने को लेकर भारत सरकार का आभार भी जताया है। साथ ही कहा है कि भारत के फैसले से गेहूं की वैश्विक कीमतें घट जाएंगी। भारतीय मानक कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसके बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। पेट्रोलियम नियोजन एवं विशेषज्ञ प्रकोष्ठ के मुताबिक भारत की ओर से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमतों में $121.28 प्रति बैरल ये पहुंच गई है। एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य राजस्थान के ढोलपुर में फेल हो गया है। इस साल 20,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य था, लेकिन अंतिम तारीख 10 जून तक किसानों से सरकार 1 किलो गेहूं भी नहीं खरीद पाई। भारत में 6 जून 2022 तक 352.37 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इसी समय में 307.41 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। जहां तक चीनी मौसम के अनुमानों का सवाल है, इस्मा ने अपने अखिल भारतीय चीनी उत्पादन अनुमान को 2021-22 से 360 लाख टन संशोधित किया है। महाराष्ट्र में लगातार नुकसान उठाने की जगह किसानों ने जगह जगह प्याज का भंडारण करने या उपज को रोकने का सामूहिक निर्णय लिया है। इसका असर भी अब दिखने लगा है। उपज रोकने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है और थोक भाव कुछ जगह पर 17 रुपए तक पहुंच गए हैं। प्रमुख दलहनी फसल चने की सरकारी खरीद अंतिम चरण में है। वहीं नाफेड ने 6 जून तक 23.83 लाख मीट्रिक टन चने की खरीद की है। इसमें से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। कुल दलहन फसलों में लगभग 45% का योगदान करने वाले चने की खरीद का लक्ष्य 2022-23 के लिए 29 लाख मीट्रिक टन है। महाराष्ट्र में एक महीने पहले हल्दी का भाव 8,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब ये घटकर 4,500 रुपए से 6,000 रुपए पर आ गया है। जिन बाजारों में हिंगोली और बासमती की आवक अधिक है, वहां भाव में कमी आई है।